भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रीतम लोधी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रथम बार ग्वालियर में अपने गृह नगर पहुंचे। बता दें कि भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने पिछोर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल की थी। नव निर्वाचित विधायक प्रीतम लोधी के ग्वालियर पहुंचते ही समाज के लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत करते हुए जीत के लिए बधाई दी। इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी ने बताया कि पिछोर विधानसभा सभा की जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बताया कि पिछोर विधानसभा में जो विकास कार्य रुके हुए थे उनको जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसी क्रम में विधायक प्रीतम लोधी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी हमारे देश की गारंटी भी है। आपने देखा होगा तीनों प्रदेशों में किसकी सोच रहे थे और कहां बिल्कुल पिछली वाली पंक्ति से उठाकर आगे किया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा होता है, किसी पार्टी में नहीं होता है। और पार्टियों में परिवारवाद चलता है और भाई भतीजेवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता है, ईमानदार है, उसको उठा के आगे लाया जाता है। सर आपने हमारे ताऊ श्री प्रीतम सिंह लोधी जी जो कि पिछोर विधानसभा से एक भव्य जीत भाजपा प्रत्याशी पहली बार विधायक बने हुए हैं, तो भोपाल से उनका प्रथम गृहनगर आगमन हुआ है ग्वालियर जिले में जलालपुर पर, तो उस भूमि पर हमने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ बहुत खुश हैं और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं हम लोग।